बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका मुर्तज़ा। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, वीडियो को आपने लाजमी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम आए हैं उस जगह पर जिधर जो से हम मुंजी छुड़ा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल जो सा गाइड करेंगे, हम आज जो सा किस तरह मुंजी छुड़ाते हैं। हम किसी और जगह आए हैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद, नहीं तो हम अपने गांव में भी छुड़ा सकते थे, किसी मकसद की वजह से आए हैं। हम आपको जो सा अब बताते हैं हम कैसे जो सा चावल जो सा बनाते हैं मुंजी का। ये देखें मुकम्मल ट्राली जो सा मुंजी से भरी हुई है। अब हम सेलर के ऊपर जो सा छुड़ाने लगे हैं, देखते हैं कितने कर रह जाती है अब ये मुंजी। अभी ये दूसरी मशीन मैंने भाई से चलवाई है, उसकी कारकर्दगी चेक करते हैं वो किस काम आती है और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान आता है उसके साथ। भाई ये थोड़ा फेंको इधर नीचे, साथ भाई इधर थोड़ा फेंक है, फेंकने के बाद देखते हैं इधर किधर जाती है मोती। इधर कम्बल खाली कर दिया थोड़े को और इधर से ये मुंजी जा रही है ऊपर। ये देखें इधर ऊपर ऊपर मोटर जो सा घुमा रही है मुंजी को, ऊपर लेके आ रही है, ऊपर से जो सा इस पाइप के जरिए इधर आ रही है। इधर से ये देखिए इधर गिर रही है मुंजी, इधर से जो है दस वगैरह घट्टा भट्टी रोड़े वगैरह और ट्राली वगैरह वो निकल रही है। एक खाना लगा है खाने से जो है ट्राली वगैरह लैदा हो रही है, घट्टा लैदा हो रहा है। ये देखें ये मुकम्मल ट्राली है, घट्टा मिट्टी वगैरह मिट्टी के भी ढेले हैं इसमें। इधर से आ रही है ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से आगे आ रहा है घट्टा ट्राली वगैरह छाने में गिर रही है। ये देखते मुकम्मल सफाई के साथ इधर आ रही है। ये देखते इसमें कोई मट्टी भी नहीं है, पराली वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ मुंजी है। ये नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्टर थी। इधर से मुंजी जो है इधर गिर रही है, ये पहले जो था इधर फेंक रहे थे मुंजी, इधर अब साफ बिल्कुल मुंजी आ रही है। ये देखते बिल्कुल साफ है, इसका ये फ़ायदा है। नुकसान इसका फिलहाल कोई नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही है इसके चलाने के। इधर से फिर ये ऊपर जा रही है मुंजी, इस पाइप के जरिए ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर ये नीचे आ रही है मुंजी, ये इसमें आके गिर रही है। इधर भी मुकम्मल सफाई है, कोई जो है मट्टी पराली डस्ट वगैरह कोई चीज़ नहीं है इसमें। इसमें आ रही है, इसमें से फिर जो से नीचे गिर रही है इधर से। इधर से ये देखे भाई जो है उधर से जो सा खोलने लगा ताकि नीचे आ जाए, इधर से खोली है और साथ ही जो है चावल की शक्ल में आ गई है मुझे। इधर से जो सा बाल्टी भर रही है, भरने के बाद भाई जान इधर जो सा फेंक रहे हैं बाल्टी में से चावल को, चावल इधर से जो सा ये देखें इधर से ये लोहे की प्लेट है इसके ऊपर गिर रहा है, ये मुकम्मल खिला रही है चावल को। खिलाने के बाद चावल जो सा ये मोटी थोड़ी सी डाली है, इससे जो
जोन सा चावल नीचे कीड़ है, इधर इधर फिर जोन सा ये थोड़ी सी मोटी चाली है, ये बड़ी टोटा नीचे गिर रहा है। ये जोन सा जो अच्छा चावल है वो इधर है, जोन सा टोटा वो इधर है, उससे बड़ी टोटा जोन सा वो इस जाली में है। तो ये हमारे गांव में हमारी जब हम मुंजी को जोन सा करते थे गांव में चराते थे तो वो छानने के जरिए ये चीज़ें जो है बाहर निकालते, एक छानने के जरिए जो है मुकम्मल काम करती थी। इधर ये मोटर जो है वो काम कर रही है, हाथ से काम नहीं करना पड़ता। ये इधर जो है थोड़ा सा टोटा है और इस बाल्टी में मुकम्मल चावल है। जोन सा मुकम्मल चावल जोन सा वो कम निकल है, जोन सा हल्का सा टोटा है। ये भी चावल है मुकम्मल, इसमें थोड़ा बहुत टोटा है, या जोन सा इतना मोटा चावल नहीं है, ये कह लें मोटा चावल नहीं है, टोटा तो कम ही है, टोटा जोन सा इस बाल्टी में है। ये जोन सा अब हम दूसरी साइड पे जाने लगे हैं, उधर चेक करने लगे हैं फक में कोई चावल तो नहीं जा रहा, टोटा ज़्यादा तो नहीं जा रहा, फक में देखते हैं कैसी फक आ रही है बाहर। बाहर से जो है वो एक पाइप लगा ऊपर जा रहा है और उसके साथ एक ये पाइप है, दो पाइप जा रहे हैं ऊपर को, इस इन दोनों के अंदर फक है। जो सी जो चावल के ऊपर छिलका नहीं होता उसे हम फक कहते हैं, वो फक जो है पाइप के जरिए आगे जा रही है, आगे जो है इस पाइप से होती हुई आगे जा रही है, पाइप के अंदर से जो है इधर जा रही है। आगे एक रूम है, रूम में जाके गिर रही है और ये पाइप जोन सा थोड़ा सा इधर से डैमेज है, टूटा हुआ है, ये बाहर गिर रही है, इधर काफ़ी ज़्यादा फक है। ये हम अब चेक करने लगे, इसमें जोन सा चावल तो नहीं जा रहा, ये हमने काफ़ी ज़्यादा उठाई है, इसे साफ करने लगे। अभी भी चावल जोन सा नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा जोन सा फूक जोन सा माड़ी है, फूक जोन सा कम आ रही है अभी भी, और अभी भी जोन सा जब तक चावल नहीं नज़र आता फूक हमने जोन सा मारते जाना है, चावल नज़र आएगा फिर रुकना है हमने। ये काफ़ी ज़्यादा फूक मारने के बाद ये जोन सा थोड़ा सा जोन सा टोटा आया है, जोन सा कमज़ोर दाना होता है उसका टोटा बना है, वैसे मुकम्मल चावल नहीं है, बरीक बरीक काफ़ी बरीक जोन सा टोटा है वो है ऐसा ही है, पर बहुत कम है। ये जोन सा आम गांव में मशीन होती है उससे भी निकलता है और ये जहाँ लेके आए हैं हम इधर भी निकलता है और कम निकलता है, जोन सी आम पुरानी मशीन है उसमें से ज़्यादा निकलता है और इसमें से कम निकलता है। अमर भाई ये थोड़े भी तरतीब से लगा दो, बांध दो अब। अमर इन तोरों को तरतीब के साथ बांधने लगा है। ये देखना फटा तो नहीं हुआ थोड़ा, अच्छी तरह चेक करो इसे, ये इधर से फटा हुआ है, ये देखे सुराख है और लैदा कर दिया इसे, उल्टा करना है ताकि इसमें जो उनसे डस्ट वगैरह मट्टी वगैरह वो निकल जाए, उल्टा करके फिर जो उनसे इसमें चावल डालेंगे। ये ठीक है थोड़ा मुकम्मल, इसे उल्टा कर के झाड़ो इसे, साफ करने लगा वो फटा हुआ है, ये साइड पे कर दो, हैमर जार दिया इसे अब ठीक है। ये मुकम्मल व्यू है, ये मशीन का मुकम्मल व्यू है,
फारग हो चुके हैं, सात भाई भी फारग हो चुके हैं, बाकड़ी लेट है सात भाई, जैद भाई भी जो है रामगढ़ डांडे के ऊपर बैठ के, अमर भाई ट्रैक्टर के ऊपर अरहम भाई को पकड़ लिया है, अरहम भाई रोना शुरू हो गया ट्रैक्टर के मरघाट के ऊपर बैठ के, अमर भाई अरहम की पटाई कर रहा है, जोर से मिटता भाई नहीं रहने दे इसे, इधर ही बांध दे इसे, इधर बैठ के जाना है, इधर बैठ के जाना है, बैठ के दिखाओ मुझे, ये कनेक्टर बैठा हुआ इधर टांग पे टांग रख के, ये बदमाश है कम्बल जा रही इस वक्त खाली हो गई है, हमारा काम इस वक्त ही एंड हो चुका है, इतनी ज़्यादा ट्राली बड़ी थी और अब तकरीबन बाटी के करीब भी नहीं है, ये चावल कितने निकले हैं और सारा जो अच्छा इसमें से वो निकला है, निकल गया तो ये चावल करते हैं। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस करना।